दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल रैट इन्फो वीज में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ संपूर्ण क्रांति कोविड 19 सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों ये ट्रेन नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 02394। ये ट्रेन 14 घंटे 10 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल दूरी जो ये ट्रेन कवर करती है वो है 1001 किलोमीटर। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 70 किलोमीटर पर आर और इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं। यह डेली ट्रेन है दोस्तों, हफ्ते के सारे दिन चलती है। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के डिब्बे अवेलेबल हैं। फर्स्ट एसी का किराया है 3275 रुपये, सेकेंड एसी का किराया है 1940 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 1365 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 520 रुपये और सेकेंड सीटिंग का किराया है 310 रुपये। ये अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार जरूर कन्फर्म कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसके टाइम टेबल और इसके स्टेशनों के बारे में। ये ट्रेन नई दिल्ली से रोजाना शाम के 5:25 पर रवाना होती है। अगला इसका स्टेशन आता है कानपुर सेंट्रल, जहां पर ये रात के 10:20 पर पहुंचती है और 8 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है मिर्जापुर, जहां पर ये रात के 1:40 पर पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जहां पर ये रात के 3:28 पर पहुंचती है और 10 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। सेकंड लास्ट इसका स्टेशन आता है दोस्तों पटना जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 6:50 पर पहुंचती है और इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये अपने आखिरी स्टेशन राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पहुंचती है सुबह के 7:35 पर और यहाँ पर पहुँच के ये ट्रेन अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। यहाँ पर ये ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।